हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डू व्हाइल लूप के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले व्हाइल लूप और फॉर लूप को बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, अब डू व्हाइल लूप की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो यहाँ से सबसे पहले न्यू फाइल ले लेता हूँ। इसके कमेंट के बारे में बता दूं आपको, कमेंट आया हुआ है कि डेटा फाइल हैंडलिंग को लेकर के भी वीडियो बनाइए, तो जल्दी डेटा फाइल हैंडलिंग को लेकर के भी वीडियोस बनाऊंगा और अलग अलग तरह के जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज में, उन सब के बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल ये वीडियो डू व्हाइल लूप को लेकर के है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर यहाँ पे इंट मेन फंक्शन बना लेता हूँ, तो यहाँ लिखा इंट मेन, ओके, और एंटर करके नीचे आएंगे, यहां पर लगा लेंगे कर्ली ब्रेसेस। अब यहां पर डेटा टाइप मेंशन करेंगे, इंट टाइप का डेटा टाइप है, इसको एंटर करके नीचे कर लेते हैं, और इंट टाइप का डेटा टाइप है, और जो वेरिएबल हम बनाएंगे वो बना लेते हैं ए नाम से, ठीक है। ए इज इक्वल टू, यहां पे दे देता हूं 1, कॉमा देता हूं। अब दूसरा जो वेरिएबल बनाएंगे वो किस नाम से होगा, उसको बना लेता हूं मैं टाइम्स नाम से, और इज इक्वल टू इसमें क्या स्टोर करा देता हूं, इसमें स्टोर करा देता हूं 5। अब इसको टर्मिनेट कर देता हूं, टर्मिनेट करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पे लगा लेंगे डू, यहीं से तो डू व्हाइल लूप लगाना है हमें, ये लगा दिया हमने। डू नाम का एक कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया है, ऊपर में ही हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है कि वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, ये बात हमने पहले ही ऊपर ही बता दी है, ठीक है। जैसे कि ए में 1 स्टोर करा दिया है और टाइम्स में 5 स्टोर करा दिया, पहले ही बता दिया। अब उसके बाद डू लिखा, फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। अब नीचे आकर के क्या करेंगे, यहां लिखेंगे प्रिंटएफ, और प्रिंटएफ लिखने के बाद फिर यहां पे दे देंगे डू व्हाइल लूप इज, ये दे दिया हमने इस तरीके से, और परसेंट डी दे दिया, और यहां से कॉमा दे करके, और फिर यहां पर चूंकि हमने वेरिएबल लिया है ए नाम से तो यहां ए दे देंगे, ए में स्टोर करा देंगे और इसको टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट करने के बाद ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 ये दे देंगे, और फिर इसको टर्मिनेट करके और नीचे की तरफ आएंगे और ब्रैकेट को पहले क्लोज कर देंगे, फिर यहां पर व्हाइल की बात करेंगे। डू लगाया था, डू व्हाइल लूप है ना, तो व्हाइल भी तो लगाना होगा, तो ये व्हाइल लगा लिया हमने, और यहां पे दे देंगे ए इज लेस देन और इक्वल टू, कहां तक करेंगे तो यहां पे टाइम्स जो हमने वेरिएबल बनाया था टाइम्स वहां तक, और इसको टर्मिनेट भी कर देंगे। टर्मिनेट करके नीचे आएंगे और यहां पर रिटर्न 0 दे देंगे, और ये हो गया रिटर्न 0, टर्मिनेट किया इसको भी, और यहां से ब्रैकेट को क्लोज करके और यहां से इसको सेव कर लीजिए डॉट सी, ठीक है, ये हमने इसको सेव भी कर लिया। अब यहां से बिल्ड पे जाके इसको कंपाइल करवाते हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया है, आइए अब इसको रन करवाते हैं, देखते हैं ये प्रोग्राम चलता है या नहीं। ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो ये हमने लिखा है स्लैश, यहां पर लगा देंगे बैक स्लैश एन, ठीक है, तो लाइन चेंज करके यहां से इस तरह से, और अब इसको सेव करता हूं, अब इसको कंपाइल करवाता हूं और फिर अब रन करवा देता हूं, तो आप देख सकते हैं डू व्हाइल लूप इज 1 2 3 4 5 तक आ रहा है, ठीक है। और अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 को हटा दीजिए और यहाँ 10 कर दीजिए तो ये 10 टाइम आएगा, तो ये यहाँ पे सेव किया हमने और ये इस तरीके से, और फिर यहाँ बिल्ड पे जाके कंपाइल करवाइए और फिर यहाँ से रन करवा दीजिए, तो ये 10 टाइम इस तरह से एक्सिक्यूट हो रहा है, ठीक।